दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब ने अपने संगीत सफर में जो ऊंचाई हासिल की या जिस ऊंचे मुकाम पर वो बाद में पहुंचे, उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में, उनका मुस्तकबिल बनाने में जिस आदमी का बहुत बड़ा हाथ था, वो उनके बड़े भाई अब्दुल हमीद साहब थे। हमीद भाई हमेशा कोशिश करते थे कि मोहम्मद रफी साहब को और भी मौका मिलता रहे, यानी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाना और उनके घर के कामकाज में हाथ बटाना या उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाना। समझ लीजिए, वो रफी साहब के लिए इस कदर चाहत रखते थे कि रफी साहब का मुस्तकबिल किसी तरह बन जाए। हमीद भाई कहीं भी जाते थे तो हर जगह कहते थे, मेरे भाई को सुनो, उसको गाना दो। जब मोहम्मद रफी साहब की बातें मेरे जहन में आई तो यहाँ पर मैं हमीद भाई का भी जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ। मोहम्मद रफी साहब के गाने का ढंग और उनके सुरीलेपन की बात की जाए, वो उनकी आवाज की रेंज के बारे में है। उनकी आवाज कितने नीचे सुर में जा सकती है या कितने ऊंचे सुर में वो गा सकते हैं, ये सब बातें लोगों के सामने आना चाहिए। जब साल 1952 में फिल्म बैजू बावरा बन रही थी तो उस वक्त इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। इस गीत में उनकी आवाज की रेंज का इस्तेमाल किया गया था तो लोगों में ये बात जाहिर हुई कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज की कितनी रेंज है। बहरहाल, मोहम्मद रफी साहब की आवाज की रेंज काफी अच्छी थी। उनकी आवाज जितनी अच्छी नीचे सुर में लगती थी उतनी ही अच्छी ऊंचे सुर में लगती थी। अपनी बात कहना या अपनी तर्ज गाना मुश्किल नहीं है जितना के दूसरे की तर्ज गाना या दूसरे की बात कहना मुश्किल है। मोहम्मद रफी साहब दूसरों की बात भी बड़ी खूबी से कहते थे। इसकी खास वजह ये थी कि वो रिहर्सल बहुत करते थे, जब तक के वो खुद मुतमईन नहीं हो जाते रिहर्सल बराबर करते रहते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि रिहर्सल करने के बाद वो कहते थे, कल मैं फिर आऊंगा, फला जगह कमी है। ये उनका बहुत अच्छा जज्बा था जिसने उनको आगे बढ़ाया। उनकी आवाज रबड़ की तरह थी, जितना खींचो खिंच जाती थी। दूसरे, वो एक चौखे गायक थे, मतलब ये कि जिस तरह वो गम का गाना, रंज का गाना या दुख का गाना गा लेते थे, उसी तरह खुशी का गाना भी गा लेते थे। गजल हो, नज्म हो या फिर कोई कैसा भी गीत हो, वो सब उसी खूबी से गाते थे। उसमें वो उस कॉमेडियन किरदार के एक्सपीरियंस को भी डाल देते थे। म्यूजिक डायरेक्टर अगर कहता भाई जॉनी वॉकर साहब के लिए गाना है तो वो उसी अंदाज में गाते थे। मेरी जा अपने आशिक को सताना किससे सीखा है, तो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है। कुछ साल बाद फिर मॉडर्न म्यूजिक का दौर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर साहब के लिए उन्हीं के अंदाज में बहुत सारे गीत गाए। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। शंकर जयकिशन साहब का भी एक दौर था और मोहम्मद रफी साहब के वो गीत आज भी लोगों को याद आते हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आप जिस किस्म का गीत गवाना चाहें, जिस अंदाज का, जिस तर्ज का, तो मोहम्मद रफी साहब आसानी से बखूबी गा लेते थे। वो फिल्म के किरदार में घुल मिल जाते थे। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना। मोहम्मद रफी साहब में जो खासियत थी वो और किसी गायक में बहुत कम मिलेगी। उनका मिजाज ऐसा था कि अगर कोई संगीतकार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी किसी को ना नहीं कहते थे। अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर बन रहा है और उसका प्रोड्यूसर छोटा है, यानी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि वो रफी साहब की फीस दे सके, और वो संगीतकार पहुंच गया रफी साहब के पास, देखिए साहब, मुझे पहला चांस मिल रहा है कंपोज करने का, लेकिन मेरा प्रोड्यूसर इतना पैसा नहीं दे सकता, क्या आप मेरा गाना गा देंगे? तो रफी साहब कहते थे, चलो ठीक है, मैं गाऊंगा। इस तरह उन्होंने बहुत से गीत गाए और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होने के बाद संगीतकार ने 200-300 रुपये दिए तो मोहम्मद रफी साहब संगीतकार को वापस कर देते थे कि मेरी तरफ से अपने बच्चों को मिठाई के लिए दे देना। तो ये मिजाज था उनका। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। वो कहते थे, सबसे बुरे तो हम हैं,
हमारे दामन पे कितने धब्बे लगे हैं, वो तो हमें नजर नहीं आते। हम किसी की बुराई क्यों करें। मोहम्मद रफी साहब की ये हमेशा इच्छा रहती थी किसी न किसी तरह जरूरतमंद के काम आ सकूं। वो अमेरिका के सफर पर जाने की सोच रहे थे और वहाँ से डायल सेंस की मशीन हिंदुस्तान में किसी अस्पताल को भेंट देना थी, जिससे किसी गरीब गुरबा को उससे फायदा मिल सके। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल से कुछ ही दिन पहले की बात है, जब रफी साहब नौशाद साहब के पास पहुँचे और उनके साथ एक ट्रक था। उस ट्रक में बहुत सारी जानमाजे, यानी जिन चटाइयों पर नमाज पढ़ी जाती है, वो जानमाजे उसमें भरी हुई थी। जाके नौशाद साहब से कहने लगे, यहाँ जो ईद की नमाज होती है वहाँ पर बिछवा देना, उसका कुछ सवाब मुझे भी हासिल होगा। वो रमजान में जानमाजे लेकर आए थे और इत्तेफाक से रमजान में ही उनका इंतकाल हो गया। वो जानमाजे मस्जिद में दे दी गईं और ईद के दिन रफी साहब की दी हुई जानमाजों पर ही ईद की नमाज पढ़ाई गई और उनकी मगफिरत के लिए दुआएं भी मांगी गईं। दोस्तों, रफी साहब और नौशाद साहब का जितना साथ रहा है शायद ही किसी का रहा होगा। यहाँ तक कि अपने घरेलू मसले जो होते थे तो नौशाद साहब से सलाह मशवरा करते थे। वो नौशाद साहब को बहुत इज्जत देते थे, ये उनका बड़प्पन था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो नौशाद साहब ने बुलाया हो और वो ना आए हों। वो रिहर्सल हमेशा उनके घर पे जाकर ही करते थे। एक बार की बात है, हव्वा खातून नाम से एक फिल्म बन रही थी, लेकिन वो पूरी तो नहीं बन पाई। उस फिल्म में एक गाना था, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। जिस रात के ख्वाब आए। रिहर्सल के वक्त जब इस गाने की धुन सुनी तो बहुत खुश हुए। कहने लगे, आजकल ऐसे गाने कहाँ गाने को मिलते हैं। गाने में अल्फाजों से ज्यादा हाहू की आवाजें निकालना पड़ती हैं। ये गाना आपने बहुत अच्छा बनाया है। इस गीत की रिहर्सल हमेशा की तरह दिल लगा के की। जब फिल्म सेंटर स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद जब गाना प्लेबैक हुआ तो गाना सुनकर नौशाद साहब से लिपटकर रोने लगे। कहने लगे, बड़ा ही अच्छा बनाया है आपने ये गाना। तो नौशाद साहब ने कहा, मियां आपने गाया भी तो अच्छा है। कहने लगे, नहीं नहीं, गाना अच्छा बनेगा नहीं तो कोई गाएगा क्या। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, रफी साहब ने इस गाने के पैसे भी नहीं लिए। कहने लगे, जो आज मुझे इस गाने को गाकर खुशी मिली है, इससे बढ़कर फीस क्या हो सकती है। बस रफी साहब के साथ नौशाद साहब का ये आखिरी गीत था। पैगाम बहारों का। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब कितने हरदिल अजीज और नेक इंसान थे, ये उनकी आखिरत में देखने को मिला। मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल रमजान का जो आखिरी जुमा था उस दिन हुआ था। इस जुमे की एक बहुत बड़ी फजीलत मानी जाती है, इसको अलविदा का जुमा कहते हैं। जिस दिन रफी साहब का इंतकाल हुआ उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बांद्रा मस्जिद में जनाजे की नमाज के लिए इस कदर नमाजी मौजूद था, वहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मोहम्मद रफी साहब का जनाजा जब बांद्रा मस्जिद में पहुंचा तो वहां का मंजर भी देखने के लायक था। सड़क पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, लोग बारिश में भीग रहे थे, फिर भी जनाजे के साथ साथ चल रहे थे। घरों की मंजिलों से फूल फेंककर औरतें उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। कई लोग लाख कोशिश करके भी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिल से एक ही आवाज आ रही है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे। जब जुहू कब्रिस्तान के करीब चौराहे पर जनाजा पहुंचा तो तमाम लोगों ने उस जनाजे को रोक लिया। सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार वगैरह जो आगे आगे थे और वो मजमे को हटा रहे थे, लोगों के जज्बात देखकर उन्हें जनाजा ट्रक से उतारना पड़ा, क्योंकि वो लोग नौजवान बड़ी तादाद में थे। वो कह रहे थे कि हम हाजी मोहम्मद रफी साहब के जनाजे को कांधा देना चाहते हैं। जब भीड़ हद से ज्यादा बढ़ गई तो कब्रिस्तान का दरवाजा बंद करना पड़ा। फिर भी लोग कब्रिस्तान की दीवार, जिनपे शीशे के टुकड़े लगे हुए थे और हाथ खूना खून हो रहे थे, फिर भी वो कांच की दीवार फांदकर अंदर जा रहे थे। वो मंजर देखकर ऐसा लग रहा था, देखो यह इस इंसान की हर दिल अजीजी। इतना नेक इंसान था कि हर कौम मिल्लत का आदमी रो रहा है। आपने और भी फिल्मी हस्तियों की आखिरत देखी होगी, मगर यहाँ आम आदमी से लेकर बड़ी से बड़ी शख्सियत रफी साहब की मौत पर आंखों से आंसू बहा रही थी। हर कोई उनके जनाजे को कांधा दे रहा था। ये बड़ी से बड़ी हस्तियों को भी नसीब नहीं होता है। उन्हें जब दफन कर दिया गया तो वो मंजर भी देखने के लायक था। उन्हें खुदा ने वो सुरीलापन दिया था जो के मुश्किल से लोगों में मिलता है। उनकी दो खूबियाँ थी,
एक तो वो हर दिल अजीज नेक गायक थे और दूसरे वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। ऐसे बहुत कम कलाकार होते हैं जिनमें दोनों खूबियां मौजूद हों।